बिल्कुल, तुम लोग अगर नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत आएगी। नोट करेंगे स्पेक्ट्रम के अंदर, मैं तुम्हें जो करवा चुका हूँ स्पेक्ट्रम, मैं जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ पीछे को, फिर आगे मेरे को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ाना है। वैसे स्पेक्ट्रम जो है दो तरीके का था, एक था कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, एक था सॉरी पहले एमिशन और एब्जॉर्प्शन था। एमिशन था और दूसरा था एब्जॉर्प्शन, याद होगा। एमिशन में दो पढ़े थे हमने, कंटिन्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन मेरे को पढ़ाना है अभी तुम्हें। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या हुआ था याद है ना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर लाइट को हमने डायरेक्टली पास किया था किससे, प्रिज्म से। लाइट को डायरेक्टली पास किया प्रिज्म से, स्लिट्स के थ्रू, व्हाइट लाइट को जो सन से, बल्ब से, रॉड से, कहीं से भी आती है, व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म से, व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई, उसको रिसीव किया हमने फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ स्प्लिट हुई है, रिसीव किया इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इस पे तुम्हें दिखे थे सेवन कलर, ये सेवन कलर दिखे थे विच वर सो कंटिन्यूअस दैट दे मर्ज इनटू ईच अदर, याद आ गया कि नहीं। विब ग्योर, ये सेवन कलर दिखे थे जिसमें रेड की वेवलेंथ थी सबसे ज्यादा, ध्यान है कि नहीं है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा थी। और डेविएशन जो है हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, ये याद रखना। लैम्डा ज्यादा तो डेविएशन कम, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन होता है, सही ना, लैम्डा ज्यादा तो डेविएशन कम। ये लास्ट टाइम मैंने तो बता दिया था, ये था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। फिर मैंने तुम्हें बताया था लाइन स्पेक्ट्रा, फिर मैंने तुम्हें बताया था लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर मैंने व्हाइट लाइट की जगह एक सोल्ट सॉल्ट को हीट किया था, से सोडियम सॉल्ट को, सोडियम सॉल्ट को हीट किया, इसकी रेज जो निकली उसको पास किया प्रिज्म से। प्रिज्म से पास करने के बाद दो लाइंस दिखी थी येलो कलर की, ब्राइट, दो ब्राइट येलो लाइंस दिखी थी। पूरा डार्क था अंदर, पूरा क्या था, पूरा डार्क बिल्कुल, ये पूरा डार्क था, बस दो ब्राइट येलो लाइंस दिखी थी चमकती हुई, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय वेवलेंथ 5890 और 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग, 5890 5896 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये बताया था मैंने लाइन स्पेक्ट्रा पे। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अर्शी कुछ बोलना है? यस सर, सर आपने बताया था कि क्रिम्जन भी होता है दो के लिए, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कौन सा एलिमेंट के साथ क्रिम्जन आएगा, कौन सा एलिमेंट क्रिम्जन से। तुम्हारे वर्ड क्लियर नहीं हो रहे मेरे को, दोबारा बोलो। सर जैसे लाइंस कलर में क्रिम्जन भी आपने बोले थे कि हाँ, वो तो मैंने आएंगे। बताया ना, तो यहाँ मैंने सोडियम, सुनो सुनो मेरी बात, यहाँ पे मैंने सोडियम सॉल्ट ली है, सोडियम सॉल्ट ली है तो येलो कलर की ब्राइट लाइन आई, मैंने तुम्हें बताया था उस दिन, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम सारे कलर याद तो कराए थे, CYPVV याद आ गया कि नहीं, क्रिम्सन यस येलो पेल वायलेट वायलेट ब्लू, ये याद करने का तरीका बताया था कि चलो यार पीवी बार करके याद कर लेना इसको। और ऐसे ही बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम रेडियम, इसमें बताया था मैंने बेरिलियम मैग्नीशियम में कलर नहीं आएगा, आयन एनर्जी ज्यादा होती है, फिर इसमें RCGC रेड क्रिम्सन ग्रीन क्रिम्सन, और इसके अंदर भी तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे, एक तो सोडियम का गोल्डन येलो वर्ड यूज होगा, सोडियम का गोल्डन येलो वर्ड यूज होगा, कैल्शियम का ब्रिक रेड यूज होगा, बेरियम का एप्पल ग्रीन, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे, ध्यान आ गया कि नहीं है? यस सर, पर जो स्ट्रॉन्शियम और रेडियम में दोनों के क्रिम्जन है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वो स्ट्रॉन्शियम रेडियम है। हाँ, ये प्रैक्टिकली तुम ऑब्जर्व कर लोगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, कलर में हल्का बहुत डिफरेंस होता है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कितना गर्म करेंगे ज्यादा, कितना एक को कम गर्म करेंगे उससे रिफ्रीज करेंगे, अभी तुम्हें सेम याद रखना है। ओके सर, मैंने तुम्हें बताया था कि लाइन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, जैसे हमारे फिंगर, हर एक ह्यूमन बींग की फिंगर प्रिंट डिफरेंट होती है, ऐसे ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है, ऐसे ही एटॉमिक हर एक एटम का जो स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट होता है, कलर्स के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको, समझ गए कि नहीं है? अब मेरे को बताना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, क्लियर है कि नहीं? यस सर, यहां से स्टार्ट करना, मेरे को अभी तक जो काम था वो मैंने पीछे सारा बताया हुआ है, नेक्स्ट इट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इसमें क्या, तुम्हें नाम से पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को पास करते हैं एक सोल्यूशन से, व्हाइट लाइट को एक सोल्यूशन से पास करते हैं, सपोज ये सोल्यूशन है से NaCl की, ये NaCl की सोल्यूशन है, व्हाइट लाइट को हमने इससे पास किया थ्रू NaCl सोल्यूशन, क्लियर, ये व्हाइट लाइट
नाउ इन दिस केस दैट इज इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इट इज पास थ्रू एनएसीएल सोल्यूशन। तो कौन सा कलर ये एनएसीएल की सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगी? येलो, गोल्डन येलो। गोल्डन येलो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा व्हाइट लाइट का, जो गोल्डन येलो कलर है इट विल बी एब्जॉर्ब बाय दिस एनएसीएल सोल्यूशन, और वॉट एवर कलर इज लेफ्ट, अब उसको हम पास किससे करेंगे? अब इसको किससे पास करेंगे? प्रिज्म से। प्रिज्म से जब पास करेंगे इसको और रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव करेंगे अगेन फोटोग्राफिक प्लेट पे, रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव करेंगे अगेन फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो उस प्लेट पे सारे कलर दिखेंगे, उस प्लेट पे सारे कलर, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इस फोटोग्राफिक प्लेट में सारे कलर दिखेंगे एक्सेप्ट इसमें सारे कलर्स होंगे यहाँ पे विब ग्योर के, जैसे वायलेट होगा यहाँ पे, यहाँ वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, लेकिन येलो वाली जगह पे क्या होगा? डार्क। अदरवाइज ये कंटिन्यूस होता है, येलो वाली जगह पे बिल्कुल डार्क होगा, बिल्कुल डार्कनेस होगी, अदरवाइज ये कंटिन्यूस होता, फिर ऑरेंज होगा, फिर रेड होगा। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है ये? यस सर, ये सब क्लियर कि एनएसीएल की सॉल्यूशन थी, तो इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर लिया? येलो। येलो। गर्म करते हैं तो येलो ये रिफ्लेक्ट कर देता है। पीछे किया था ना एमिशन स्पेक्ट्रम में, जो लाइन स्पेक्ट्रम पड़ा था एनएसीएल की सॉल्यूशन को ही मैंने गर्म किया था उसमें। तुम दोनों स्पेक्ट्रम को कंबाइन करो तो पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा कि नहीं? एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों का कंबाइन करो, एनएसीएल का, एनएसीएल का एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों को कंबाइन करो, पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा कि नहीं? बताओ समझ आ गया कि नहीं? है ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला? व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट थी, इसको पास किया हमने एनएसीएल की सॉल्यूशन से, व्हाइट लाइट को हमने पास किया एनएसीएल की सॉल्यूशन से, तो क्या हुआ? व्हाइट लाइट में जो सात कलर होते हैं विप प्योर के, उसमें से येलो कलर इस एनएसीएल की सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ द लेफ्ट ओवर कलर दे आर पास थ्रू दिस प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट पे जब रिसीव किया, जब इस पे रिसीव किया तो इसमें सारे कलर्स मिल गए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, बट जहां पे येलो कलर होना था वहां पे क्या आया? डार्क आया बिल्कुल, ऑरेंज फिर रेड। ये पूरा कंटिन्यूस होता, बस ये येलो वाली जगह डार्क है, ये पूरा एब्जॉर्प्शन क्या होता? कंटिन्यूस होता लेकिन बस येलो वाली जगह डार्क है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और जो एमिशन स्पेक्ट्रा था इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम में और एब्जॉर्प्शन में? ध्यान रखना स्कूल लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, यही पूछेंगे। अभी तक जो स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ाया ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या? अगर आएगा तो यही क्वेश्चन आना है। एमिशन स्पेक्ट्रम में जो रेडिएशन थी हमने उसको डायरेक्टली एनालाइज किया था स्पेक्ट्रोस्कोप से कि नहीं? व्हाइट लाइट को डायरेक्टली पास किया था ना मैंने, ध्यान है कि नहीं? है याद है कि नहीं? है व्हाइट लाइट को डायरेक्टली यस पास किया था, व्हाइट लाइट डायरेक्टली, रेडिएशंस आर डायरेक्टली एनालाइज थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, रेडिएशंस डायरेक्टली, पूरा लोग डायरेक्टली एनालाइज थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, रेडिएशंस आर डायरेक्टली एनालाइज थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या किया? व्हाइट लाइट को मैंने पहले कहाँ पास किया है? किसी सॉल्यूशन से पास किया कि नहीं? फिर एनालाइज किया स्पेक्ट्रोस्कोप से। क्या क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस रेडिएशंस आर इनडायरेक्टली एनालाइज थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, रेडिएशंस आर इनडायरेक्टली एनालाइज थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, डिफरेंस में तुम्हें लिखना है। एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर रेडिएशंस आर डायरेक्टली एनालाइज थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में रेडिएशंस आर इनडायरेक्टली एनालाइज थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एमिशन स्पेक्ट्रम बताओ कंटिन्यूस था कि डिसकंटिन्यूस था? एमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस था डिसकंटिन्यूस?
सर डिसकॉन्टिन्यूस कंटिन्यूस भी हो सकता है। बिल्कुल सही है, मे भी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। अगर तुम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा देखोगे तो 7 कलर पूरे मिले थे, अगर तुम लाइन स्पेक्ट्रा देखोगे तो सिर्फ क्या था, 2 ब्राइट येलो लाइन्स। तो इट कैन बी कंटिन्यूअस एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस, क्लियर है कि नहीं? इट मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कोई डाउट तो नहीं है? और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। देख लो तुम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्राइट येलो लाइन, यहाँ पे येलो लाइन नहीं है ना, येलो वाला पार्ट क्या है, डार्क हो गया है, हो गया डार्क ही नहीं, तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस आएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान देना, अगर मैं बात कर रहा हूँ एमिशन स्पेक्ट्रम की, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसिस, है कि नहीं? ये ब्राइट लाइन्स, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइन्स सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसिस, क्लियर है कि नहीं? इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइन यस सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसिस, कोई डाउट तो नहीं है? सही ना? और इसके अंदर क्या था, इसमें क्या बोलोगे? इट कंसिस्ट ऑफ डार्क स्पेसेस, डार्क स्पेस आया ना देखो ये वाला एब्जॉर्प्शन के अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क स्पेसेस इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अदरवाइज इट वुड हैव बीन कंटिन्यूअस। मतलब ये, अगर ये डार्क स्पेस ना होता तो ये कंटिन्यूअस होता ना, तो लाइन एग्जैक्टली यही लिखनी है, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क स्पेस इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क स्पेस इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्या क्लियर है? यस सर। यहां तक बिल्कुल ढंग से कर लेना, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्कूल में, तो ये तुम्हें जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप बताएंगे, यहाँ पे खत्म हो चुका है स्पेक्ट्रा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रा जो पढ़ना है वो क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसके बारे में जरूर पूछा जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसके अंदर हमें रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल या रिडबक्स फॉर्मूला पढ़ना है। ना एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल या रिडबर्ग फॉर्मूला। अच्छा तुम में से ऑर्गेनिक का काम किसने कर लिया है 7 लेक्चर तक, 6 7 लेक्चर तक, बोलो। सर 6 तक हो, 6 तक हो गया, दिया ने कर लिया, और कोई? इंट्रैक्शन सब मैंने कर लिया। ने, यस सर। आदित्य ने कर लिया है, कीर्ति ने कर लिया है, आदित्य, कीर्ति, कशिश, मानसी, योग, ध्रुव, पिनाकिन, हितेश, चित्राक्ष, इन बच्चों ने कर लिया है, हिमांशु, लक्ष्य, भव्या, चलो बाकी बच्चे भी करेंगे जल्दी से। और क्या किसी ने नेम इलेक्शन वाला कोई लेक्चर किया है अभी, नेम इलेक्शन वाला? ये दिव्यांश, दिव्यांश कितना कर लिया? सर IUPAC वाले के 7 लेक्चर कर लिए। 7 कर लिए, चलो 7 लेक्चर कर लिए, बहुत अच्छे। अच्छा अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझ आ रहा है कि नहीं? दिव्यांश एटॉमिक स्ट्रक्चर का, नहीं सर ज्यादा सर कर अच्छा नहीं अभी पाता। तू मेरे से फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लियो, बात तू उससे पढ़ेगा तो समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, स्टार्टिंग से पढ़ेगा ना तो समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करियो दिव्यांश। सही है दिव्यांश? हाँ अब देखना, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर? एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, देखो इसके अंदर क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं,
लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये हाइड्रोजन गैस लिया मैं, लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पे करंट पास की। लो प्रेशर पे कोई भी गैस गुड कंडक्टर होती है कि बैड कंडक्टर? सर ज्यादा नहीं गुड बता रखा मैं। लो प्रेशर पे गैस आयोनाइज हो जाती है, H2 गैस है इसके अंदर। लो प्रेशर पे जैसे ही इसको पास करेंगे स्लिट्स के थ्रू, जैसे ही हम स्लिट्स के थ्रू पास करेंगे प्रिज्म से, यहाँ से रेज निकलेंगी, ये रेज निकलेंगी, ये आयोनाइज होंगी, H2 गैस आयोनाइज होगा, रेज निकलेंगी, प्रिज्म से पास करेगा ये। अच्छा ये हर्षित, ये पास किया प्रिज्म से, रिफ्लेक्ट होंगी, डेविएशन होगा इसके अंदर, और फिर हमने इसको रिसीव किया कहाँ पे? फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। जब फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करोगे ना इसको, यहाँ पर रिसीव करोगे तो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस मिलेंगी यहाँ पे। जैसे एक सीरीज ये मिल गई, एक सीरीज ये मिल गई, एक सीरीज ये मिल गई, एक सीरीज ये होगा एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होगा? एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या है, देखो हाइड्रोजन गैस को लिया हमने यहाँ पे, फिर हमने लिया हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे लो प्रेशर के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में, करंट पास की, H2 गैस आयनाइज होगी, इससे जो रेज आएंगी, इससे जो रेज आएंगी, इस रेज को हमने पास किया प्रिज्म पे, इस प्रिज्म के ऊपर पास किया, और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद रिसीव किया फोटोग्राफिक प्लेट में। फोटोग्राफिक प्लेट में तुम्हें क्या दिखेगा? डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स दिखेंगी, डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स दिखेंगी विच आर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर। क्लियर? डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स मिलेंगी विच आर नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर। ये सीरीज ऑफ लाइन्स है जो इसके ऊपर दिखेगा ना, इसके ऊपर वो ये है, ये मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो तुम्हें दिखेगा फोटोग्राफिक प्लेट पे। जैसे ये एक दो तीन चार, और ये छह, ये पहली जो सीरीज ऑफ लाइंस है इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। दूसरी सीरीज ऑफ लाइन है इसको बोलते हैं बामर सीरीज, बामर सीरीज। तीसरी सीरीज ऑफ लाइंस है ये पास्टन सीरीज। चौथी सीरीज ऑफ लाइंस है ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, और ये पंड सीरीज, और लास्ट है हमफ्रे सीरीज। हमफ्रे सीरीज, HUMPHREY, हमफ्रे सीरीज। ये सीरीज है जो दिखती है, ये सीरीज दिखती है। लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, देखो ध्यान, बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। लाइमन सीरीज जैसे ये शेल है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां शेल। न्यूक्लियस के बाद मैंने आठ शेल दिखाए यहाँ पे। H2 गैस है, जैसे ही यहाँ पे ये H2 गैस जो आयनाइज होगी, H2 गैस जैसे ही आयनाइज होगी तो क्या होगा, H2 गैस पहले टूटी, H2 से 2H बना होगा, 2H से H2 है, H प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, H2 गैस आयनाइज हो गई। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डिफरेंट लेवल्स पे आएंगे, डिफरेंट लेवल्स पे जाके एक्साइट होंगे करंट पास करने पर, ये डिफरेंट लेवल पे एक्साइट होंगे। अब जो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से पहले शेल पे आ रहा है, ऊपर से चाहे वो आठवें शेल से आ रहा हो पहले शेल पे, चाहे वो सातवें से आ रहा हो, चाहे वो छठे से आ रहा हो, चाहे पांचवें से आ रहा हो, चौथे से आ रहा हो, तीसरे से आ रहा हो, दूसरे से आ रहा हो, पहले पहले पे तो आ ही रहा है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से पहले शेल पे आएगा, यानी वो लाइमन सीरीज में आएगा। लाइमन सीरीज होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन, अगर मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं यूवी रीजन के अंदर। और बामर सीरीज होती है विजिबल रीजन, बामर सीरीज ऐसी है जिसको हम देख सकते हैं विजिबल रीजन के अंदर, जिसको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। पास्टन सीरीज जो है ये होती है, ये कहाँ पे होगी, इंफ्रारेड रीजन के अंदर, नियर टू इंफ्रारेड रीजन, नियर टू इंफ्रारेड रीजन, ये होगी पास्टन सीरीज। ब्रैकेट सीरीज इंफ्रारेड के अंदर, फंड सीरीज फार इंफ्रारेड में, और हमफ्रे भी फार इंफ्रारेड में, फार इंफ्रारेड में। यानी लाइमन सिर्फ अल्ट्रावायलेट में है, मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ ये याद रखना, लाइमन सिर्फ यूवी रीजन में है, बामर विजिबल में है, बाकी सब कहाँ पे है, इंफ्रा रेड रीजन में, इंफ्रा रेड रीजन में, जहां पे सिर्फ हीटिंग होगी। क्या क्लियर हो गया है? कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में आ रहा है तो लाइमन सी। चलो
ये ना कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, अगर पहले रीजन में, और इसकी वेवलेंथ जो है 380 नैनोमीटर से कम होगी, 380 नैनोमीटर से लेस होगी। और विजिबल रीजन मतलब वेवलेंथ जो है 380 से 760 नैनोमीटर। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल में आया, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, ऐसे ही कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आया तो लाइमन सीरीज, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे शेल में आया, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन, जैसे लाइमन के लिए N1 1 होगा, N2 क्या होगा, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। और बामर के लिए ध्यान देना, पहले लाइमन के लिए लिखा मैंने, फिर बामर के लिए N1 2 होगा, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N2 होगा 3 4 5 6, ये बामर के लिए डी लिख देता हूँ, ये लाइमन के लिए। फिर पाचन के लिए, पाचन के लिए N1 होगा 3, N2 होगा 4 5 6 7, और ब्रैकेट के लिए N1 4 होगा, N2 5 6 7 8। फंड के लिए, पी फंड के लिए N1 5 होगा, N2 6 7 8 9। मतलब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर पांचवें शेल पे आया तो वो है फंड सीरीज, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर चौथे शेल पे आया तो वो है ब्रैकेट सीरीज, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे शेल पे आया तो है ये क्या कहते हैं पाचन सीरीज, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल पे आया तो वो है ब्रैकेट लाइमन बामर सीरीज, और कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर पहले शेल पे आया तो वो है लाइमन सीरीज। एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये बात समझ आ गई है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बाद, इससे एक बार हैंड से करेंगे, किसी को डाउट है कोई पॉइंट पूछना तो पूछ सकते हो दोबारा। मानसी, दिवा, कीर्ति, अर्षी, कशिश, आदित्य, कृष, पिनाकिन, लक्ष्य, पवित्र, दिवस, श्रेयस, इशिता, भव्या, ध्रुव, योग, सिद्धार्थ, विधि, अरुषि, सौम्या, दिव्यांश, दिया, हितेश, चित्राक्ष, हिमांशु, अभी ये आयुष, दिव्यांश और हर्षित। हर्षित तेरे समझ नहीं आया? सर, इसमें जो ये वाला जो आपने बताया था ना बीच का, और हाँ, उसका थोड़ा सा नहीं आया, बस वैसे तो आ गया। ये वाली चीज समझ आ गई इधर की, नहीं देख इधर, ये जो बताया मैंने, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहले शेल पे आया तो लाइमन सीरीज है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे पे आया तो बामर सीरीज है, और लाइमन होता है हमेशा अल्ट्रावायलेट में, बामर होता है विजिबल में, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो, और अच्छा लाइमन, ये ठीक है, पाचन, पाचन और ब्रैकेट और फंड, ये हमेशा कहाँ पे होंगे, इंफ्रा रेड के अंदर, ये कहाँ पे होंगे, हमेशा इंफ्रा रेड के अंदर। क्या क्लियर हो गया है? यस सर। इसकी एक एक चीज ढंग से करनी है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं। अब डिफरेंट सीरीज की जो वेवलेंथ निकालनी है, डिफरेंट सीरीज की वेवलेंथ जो निकालनी है वो दी जाती है रिडबर्ग फॉर्मूला से, रिडबर्ग फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला इसी का नाम है रिड्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। इनकी वेवलेंथ कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला जो है वो ये है, वो ये है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है 1 बाय लैम्डा यानी म्यू बार, म्यू बार इज इक्वल 1 बाय लैम्डा, 10 बार लिखना फॉर्मूले को ताकि याद रहे हमेशा के लिए, म्यू बार इज इक्वल 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का स्क्वायर। अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने अभी पेपर जो डिस्कस किया था IIT का, उसके अंदर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ उसके अंदर। आर यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट नहीं है, ये याद रखना, आर यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट नहीं है, ये याद रखना, आर यहाँ पे क्या है, रेडबक्स कॉन्स्टेंट। और इसकी वैल्यू है 10, एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए तुम्हें, 9677 सेंटीमीटर में। और अगर तुम्हें इसकी वैल्यू एनर्जी की फॉर्म में निकालनी है, एनर्जी की फॉर्म में निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसकी वैल्यू एनर्जी की फॉर्म में निकालनी है तो किससे, क्या कोई बता सकता है, जिसने पूरे लेक्चर कर लिए उसको पता होगा,
अगर इसकी वैल्यू एनर्जी की फॉर्म में निकालनी है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को? नहीं पता किसी को भी? क्या तुमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी? डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। डेल्टा ई जो है एनर्जी क्या होता है? एच म्यू होता है, पढ़ा नहीं है ये? म्यू क्या है? सी बाय लैम्डा। नहीं क्लियर? तो लोग पढ़ नहीं रहे उसका मतलब? देखो मंडे को अगर तुम्हें याद नहीं होगा, मैं सामने याद करवा के तब भेजूंगा, और मैं खड़ा करके रखूंगा क्लास में अगर तुम लोग ये काम नहीं करके आए। तो फॉर्मूला किसी को याद ही नहीं है ये? इधर एच सी से मल्टीप्लाई कर दो, इधर ऊपर एच सी से मल्टीप्लाई। ये तुम्हें फॉर्मूला यही याद करना है, यही फॉर्मूला है रेट का फॉर्मूला या रेट कम्बिनेशन प्रिंसिपल। यहाँ एच सी से मल्टीप्लाई किया बाय लैम्डा किया इक्वल टू एच सी आर जेड स्क्वायर हो जाएगा, 1/N1² -1/N2² ये फॉर्मूला बन गया एनर्जी की फॉर्म में। एच सी आर की वैल्यू कितनी आती है? 13.6। बताया ना पीछे मैंने 13.6 जेड स्क्वायर, ये तो एनर्जी है ना डेल्टा ई। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगी वैल्यू। एच सी आर की वैल्यू कितनी आएगी? 21.8 × 10⁻¹⁹। ये जूल पर एटम में आएगी। एच की वैल्यू कितनी आएगी? 1.312 × 10⁶ जूल पर मोल में आएगी, और साथ में जेड स्क्वायर सब में आएगा। 1/N1² -1/N2² साथ में जेड स्क्वायर आएगा, 1/N1² -1/N2² ऐसे ही सेम यहाँ पे। क्या समझ गए? ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता यस दिया है तुम्हें, फॉर्मूला सिर्फ यही याद करना है अभी। यही रिडक्स फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला, इसी से ड्राइव किया मैंने दोनों साइड एच सी से मल्टीप्लाई करके। एच सी बाय लैम्डा एनर्जी होती है इसलिए। क्या क्लियर हो गई हर एक बात? फॉर्मूला दोबारा देखेंगे एक बार। मैंने जैसे बोला म्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1/N1² -1/N2² मैंने बोला रिड्यूस दिस फॉर्मूला फॉर बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा तुम्हें से कोई बोल सकता है क्या? बामर सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या, किसमें रिड्यूस हो जाएगा? 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, आर की वैल्यू 1096777 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स जरूर याद रखना, यूनिट नहीं भूलनी है। आर 1096777 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। जेड स्क्वायर है ही, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम प्लस तो 2, लिथियम 2 प्लस तो 3, बेरिलियम 3 प्लस तो 4, बोरोन 4 प्लस तो 5, नियोन 9 प्लस तो 10। जेड की वैल्यू 1/N1² क्योंकि मैंने बामर सीरीज बोली है, तो N1 की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैंने बामर टू सीरीज बोली N1 की वैल्यू कितनी आएगी वैल्यू? हाँ, टू 1/2² -1/N2². क्या क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया है? सर इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। मैंने बोला पास्टन सीरीज, तब क्या होगा वैल्यू बोलो? पास्टन सीरीज के लिए हाँ, एन वन N1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1/3² -1/N2². मैंने बोला फंड सीरीज, तो N1 की वैल्यू क्या रहेंगे? फंड फोर सीरीज में हाँ N1 की वैल्यू नहीं, फंड सीरीज लाइमन बार्मर पास्टन ब्रैकेट फंड 5 होगी ना? फाइव क्या क्लियर हो गया? फॉर्मूला निकालना आ गया कि नहीं? यस सर अब अगली लाइन ध्यान सुनना। मैंने बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज, N2 की वैल्यू क्या होगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज, तो N2 की वैल्यू क्या होगी? N1 तो सबको पता है, बामर सीरीज में N1 कितना होगा? 2। N1 2 होगा। N2 की वैल्यू क्या होगी बोलो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए? अभी नहीं बोल पाएगा कोई भी।
सर इन्फिनिटी लॉन्गेस्ट सर वाला देखो, थ्री थ्री किसने बोला है? हाँ श्रेयस श्रेयस, बहुत अच्छे श्रेयस। देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहे हैं ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है? देखो N1 की वैल्यू 2 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था सेकंड शेल में, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब जो एनर्जी है मिनिमम होगी कि नहीं है, एनर्जी होती है अच्छे वे लैम्डा। वेवलेंथ लॉन्गेस्ट तो एनर्जी मिनिमम की नहीं? यस बोलो। सर। देखो इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल में आना है तो एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से आएगा सेकंड में, थर्ड शेल से सेकंड में आएगा तभी तो एनर्जी मिनिमम होगी। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? लॉन्गेस्ट यस वेवलेंथ निकालने को बोले तो जस्ट उसके आगे वाले शेल से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, समझे कि नहीं? ये यस सर। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में ये होगा, ध्यान रखना सीखा, भूलना नहीं भी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन जस्ट अपने ऊपर वाले शेल से नीचे आएगा। मैंने बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन फंड सीरीज, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे आएगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन फंड सीरीज 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। हाँ 5 6 ले लेंगे, N1 को 5 ले लेना, N2 को 6। क्या क्लियर है? यस सर। मैंने बोला 5 10 सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो क्या होगा? 3 से 4, 3 से 4। हाँ इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से तीसरे पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन चौथे शेल से तीसरे पे आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? यस ये सर। भूलना नहीं बिल्कुल, बात बोलिए। अब मैं अगला बोल रहा हूँ, लिमिटिंग वेवलेंथ। लिमिटिंग वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, उसके लिए क्या होगा? लिमिटिंग वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा? जब ये लैम्डा सबसे कम हो, लैम्डा सबसे कम हो तो एनर्जी से ज्यादा, लैम्डा कम तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? इन्फिनिटी से। सही अर्शी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से है? इन्फिनिटी से उस शेल में। मैंने बोला लिमिटिंग वेवलेंथ इन बामर सीरीज, N1 N2 की वैल्यू बोलो जल्दी से। लिमिटिंग वेवलेंथ इन बामर सीरीज N1 N2 की वैल्यू क्या होगी? सर N1 to N2 इन्फिनिटी। हाँ बिल्कुल सही है, ये करना जरूर आना चाहिए। लिमिटिंग वेवलेंथ के लिए N2 हमेशा इन्फिनिटी, लिमिटिंग वेवलेंथ के लिए N2 हमेशा इन्फिनिटी। समझ गए कि नहीं? यस सर। एक एक वर्ड ढंग से करना बिल्कुल, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा एक ये ना एनर्जी उल्टा एच सी बाय लैम्डा, तो मतलब ना एच सी जो है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एच 6.6 × 10⁻³⁴ है, सी 3 × 10⁻⁸ है। सी क्या है? इंटू थ्री, 3 × 10⁻⁸। जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये आता है 1242, 1242 0। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा हूँ और आर्मस्ट्रॉन्ग बाय में, लैम्डा जो है आर्मस्ट्रॉन्ग में, ज्यादातर लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया होता है ना डायरेक्ट ही करेंगे। जैसे मैंने मैंने बोला तुमसे 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए एनर्जी कितनी होगी, 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए एनर्जी कितनी होगी, तुम डायरेक्ट प्रूव करोगे। 1242 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग बाय 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग से आर्मस्ट्रॉन्ग कैंसिल, 4000 से ये कैंसिल होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा कि नहीं? कितना आ गया? 43.105। क्या क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या समझ आया? ये एच सी की वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग में? 1240, 1240 याद कर लेना। नैनोमीटर में करना है तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। चलो यहां तक रट देना बिल्कुल ढंग से और पीडीएफ बना के भेज देना याद करके।